जनाब पता ही कोई नहीं है कि दो दिन का बस इस किस्म का उकरे करते हैं। ये जिहड़ा नठने वाला बेहतर अज सवेरे कोई 3 बजे का होता है, इतों पहले कुछ नहीं है। उस वेले कोई 1:30 बजे का टाइम है। हाँ कोई पता नहीं चलता जिस वेले इतों वो निकलिया फिर नहीं पता चलिया। असा एक खल जाने की तैयारी की उस वेले के खल ले जाने हूँ गड्डी छड्डी हो गए। लोगों कने इयो अपील है कि कुछ ही अगर लभदा है तो भाई असा ही कोई ना कोई इनफॉरमेशन थोए। और उन शर्ट पा दी है, ये जी कमीज़ है ये नहीं है। उस वेले खाली अंदर कमीज़ है बनैन लगी दी है सफेद रंग की, तो जीन की पेंट लगी दी है, नंगे पैर हैं। सर बात ऐसे है कि सुबह कोई 4:15 बजे की बात है, मेरे ब्रदर इन लॉ है, उन्हें थोड़ा कुछ स्ट्रेस जैसा हो रहा था तो बार बार यही कह रहे थे कि मैंने मंदिर में पूजा तो वो कर रहे थे। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि वहाँ से भाग गए, तो मैं भी पीछे पीछे भाग रहा था, कोई नहीं था उस समय। मैंने यहाँ तक देखा सेवा दरिया के ने यहाँ नीचे पहुँचा तो उसने और ज़्यादा स्पीड पकड़ी, इतनी तेज़ी से दौड़ा कि जैसे कोई सुसाइड करने नहीं जाता है। तो मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है आगे पानी तक जाते हुए, उसके यहाँ तक कमर तक पानी आ चुका था, वहाँ वो खड़ा हो गया। उसके बाद मैं उसे बचाने के लिए आगे दौड़ गया, मैंने अपने कपड़े रास्ते में उतारना शुरू कर दिए, फ़ोन किया आगे पीछे के पुलिस को बुलाओ उनको बुलाओ, तो मैं आगे पहुँच गया। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ वेट भी किया, यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज़ है, यहाँ मैंने सोचा वो रुकेगा तो था, रुकेगा नहीं, वहाँ नीचे चला जाएगा, तो जहाँ थोड़ा फ्लैट पानी है वहाँ उसका पोटेंशियल रुकता है, तो मैं इधर डूबेगा इधर मैं उसे खींच लूँगा, मुझे थोड़ा बहुत तैरना आता था। पीछे मुड़ के आया ना वो दिख रहा है सुबह से, तो यही लोगों से अनुरोध है प्लीज़ कहीं भी दिखता है हाइट उसकी लगभग ऐसा भी बता जा रहा है, आशंका लगाई जा रही है कि पानी नहाने के बाद वो वापस, ये शोर नहीं है कि वो पानी में कूद गया है, जिस स्पीड से गया था वो आगे गया नहीं, इतना पानी आया तो रुक गया। फिर मैंने उस साइड ध्यान नहीं दिया, मैं उसे बचाने के लिए आगे दौड़ गया। तो लोगों से यही अनुरोध है, वो कहीं भी दिखता है पैंट डाली है, नंगे पाँव है, शूज़ नहीं पहने हैं, अंडर टी शर्ट डाली हुई है, वाइट थोड़ी बियर्ड रखी हुई है, लंबा है अच्छा खासा, 5 फुट 7-8 इंच तो है ही है मिनिमम, यही है। अगर कहीं भी दिखता है किसी को तो प्लीज़ हमारे साथ संपर्क करें, आपको नंबर हम ऑप्शन में देंगे वहाँ पे बताएं। पुलिस को भी संपर्क किया, उन्होंने भी पूरी कोशिश की लेकिन दिखा नहीं अभी तक। जैसा कि इन्होंने भाई साहब ने पूरी आपको डिटेल सुनाई, तो मेरा यही कहना है कि ये तो सिर्फ एज़ पर शक की नगाह से यहाँ आए हुए हैं, तो ये देख रहे हैं कि क्या पता यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन इन्होंने एक नंबर भी हमें दिया, तो वो नंबर जो लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी अगर ऐसा अल्लाह ताला ना करे कि इधर डूबा हो यो, तो अगर कहीं ऐसे आगे पीछे हो तो लोगों से मैं अपील करता हूँ कि इस नंबर पर वो रابطہ करें। वो नंबर है 7051362202, इस पर रابطہ करें अगर कहीं वो आगे पीछे गए हैं। इन लोगों के साथ हम भी इनके शाना बशाना साथ हैं, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी शाना बशान इनके साथ है, पुलिस वाले भी इनके साथ हैं, और बाकी लोकल हमारे यहाँ के मौजूद हजरात हैं, उन्होंने मशीन भी लगाई है और प्रयास कर रहे हैं कि शायद हम इस डाइवर्ट करेंगे पानी को, अगर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो अगर कहीं आगे पीछे होगा तो इस नंबर पर रابطہ करें। शुक्रिया। हर सड़कें आंगन बनाना चाहते हैं मजबूत और शानदार, तो फिर जरा भी ना करें इंतजार, क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपके बन्नी में आपके लिए अंबुजा सीमेंट से बने मजबूत होलो ब्लॉक्स, टाइल्स और फेंसिंग पॉल। तो फिर देर किस बात की, अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9906763071 या फिर 600